दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना है, 2000 के नोट यहां पर आज से यहां पर जो बंद कर दिए गए हैं। इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो जल्दी से आपको यहां पर एक काम करना होगा तो आप बच सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों हम आपको यहां पर आज तक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से दिखा पा रहे और अभी यहां पर हर आर्टिकल पर इसी का यहां पर जो चर्चा चल रहा है। दोस्तों यहां पर भारत रिजर्व बैंक ने एक बार फिर यहां पर बड़ा फैसला लिया है, जिनमें यहां पर आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल यहां पर जो चलन में रहेंगे, यानी कि अभी जो मार्केट में 2000 के नोट है वो अभी चलेंगे, लेकिन उस डेट से पहले आपको यहां पर एक काम करना पड़ेगा जिससे कि आपके 2000 के नोट बच सकते हैं। यहां पर बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने होंगे, यानी आपके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद ये 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको 30 सितंबर से पहले अपने नजदीकी बैंक में जाकर के 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करना पड़ेगा। आरबीआई के प्रेस रिलीज में बताया कि 2018 से 2019 में ही 2000 रुपए का नोट को छापना बंद कर दिया गया था। साल 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों एक बार में आप यहां पर 20000 रुपए तक का नोट बदल जाएंगे, यानी कि आप एक बार में बैंक में जा करके 20000 रुपए तक का नोट आप एक्सचेंज कर पाएंगे। अगर आपके पास भी 2000 के नोट है तो 30 सितंबर की तारीख याद कर लें, इससे पहले आप बैंक में जा करके इसे बदल सकते हैं, यानी कि 30 सितंबर तक आप अपने नजदीकी बैंक में जा करके 2000 के नोट को बदल पाएंगे। इससे पहले यहां पर जो है आपको दूसरी वैल्डिंग करेंसी मिल जाएगी, यानी कि इससे पता चल जाएगा किनके पास ब्लैक मनी है किनके पास व्हाइट मनी है। तो यहां पर जो है बैंक में जब आप जाएंगे तो यहां पर आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने का अलग से स्पेशल विंडो होंगे जहां पर आप आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे। यानी कि जब आप बैंक में जाएंगे तो अलग से आपको एक काउंटर मिल जाएगा 2000 रुपए का नोट का बदलने का। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल यहां पर सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट हैं। अब देखना यह है कि कितने नोट बैंक में वापस आते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर 2000 रुपए नोट बदलने का इनके पीछे का क्या मकसद है, क्यों यहां पर 2000 के नोट को बदला गया है? तो दोस्तों बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2000 के नोट बड़े बड़े लोगों के पास जमा कर रखे हैं, सामान्य लोगों के पास ये नोट नहीं है। अमेरिका ब्रिटिश जैसे देशों में बड़े नोटों का प्रचलन नहीं है, भारत भी वही अपना रहा है। इस कदम के बाद जो भी ब्लैक मनी मार्केट में है वो बाहर आ जाएगा। इसी को लेकर यहां पर जो नोट को बदला जा रहा है, ट्रेडर फंडिंग पर लगाम लग जाएंगे। और यह फैसला लिया गया है कि गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट यहां पर जो चलन से बाहर हो गए थे। इन करेंसी की जगह रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोट की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देता है जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारे लोगों का कहना है और भी न्यूज आर्टिकल से पता चल रहा है कि 2000 के नोट जो है वो थोड़े महंगे बजट में बनते हैं, यानी कि उनके जो कागज है यानी कि उनमें ज्यादा कॉस्ट आता है छपने में, इनको लेकर भी यहाँ पर जो अपडेट आया है। तो दोस्तों यही सब कारण है 2000 रुपए के नोट को बंद होने के। साथ ही दोस्तों प्रभात खबर न्यूज आर्टिकल में भी देख पा रहे कि इसी तरीके से यहाँ पर जो अभी न्यूज अपडेट जारी किया जा रहा है, यानी कि 2000 के नोट को यहाँ पर जो अब बंद कर दिए गए। अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप जल्दी से बैंक में जाकर के उन्हें एक्सचेंज करवा लीजिए। लगभग दोस्तों सभी न्यूज आर्टिकल पर अभी यही अपडेट जारी किया जा रहा है कि 2000 के सभी नोट यहाँ पर बंद हो चुके हैं। मैं दोस्तों इस सभी आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इनको रीड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही आप लोगों को अपडेट जानकारी देना चाहता था। अगर आप इसी तरह अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।